नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिस पे हम बात करने वाले हैं MG हेक्टर 2021 बेस मॉडल डीजल वेरिएंट के बारे में। इसके 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मैनुअल के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बेस मॉडल पेट्रोल 1.5 लीटर का वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर आ चुका है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। तकरीबन 1000 व्यूज होने को आए हैं, तो सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं देखा है तो आई बोल बटन पर क्लिक कीजिए और उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस बेस मॉडल डीजल वेरिएंट में आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं इंजन से। तो MG हेक्टर बेस मॉडल में आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 168 bhp का पावर और 350 nm का टॉर्क जनरेट करता है, और साथ ही आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर भी मिल जाते हैं। अब इस कार की माइलेज ARI सर्टिफाइड है, जो कि 17.41 की माइलेज आपको देती है, और साथ ही ड्राइविंग रेंज आपको 1044.6 किलोमीटर की मिल जाती है। अब MG हेक्टर बेस मॉडल डीजल फ्रंट व्हील ड्राइव ड्राइवर ट्रेन के साथ उपलब्ध कराई गई है। अब कार के डायमेंशंस की बात करें तो MG हेक्टर की लंबाई 4655 mm है और चौड़ाई 1835 mm है, जहां ऊंचाई 1760 mm रखी गई है, और वहीं व्हील बेस आपको 2750 mm का मिल जाता है। तो इस कार में आपको स्पेस की कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। अब नई MG हेक्टर के लुक के बारे में बात करें तो एक्सटीरियर में आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है, तो एक रूफ माउंटेन एंटीना, बम्पर्स आपको बॉडी कलर के साथ मिल जाते हैं, एक रियर वाइपर, एक रियर डिफोगर, और बॉडी कलर्स में भी आपको बाहर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और साथ ही आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी आपको बॉडी कलर में ही दिया गया है, और टर्न इंडिकेटर उसी के साथ आपको मिल जाता है, और पार्किंग सेंसर आपको रियर की साइड दिए गए हैं। साथ ही टायर्स पे अब नज़र करें तो इस कार में आपको 215x60 R17 इंच के स्टील टायर मिल जाते हैं, और स्पेयर व्हील भी आपको स्टील में ही मिल जाता है। यहाँ एलॉयज के आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलते, जहाँ दोनों फ्रंट एंड रियर टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब इस कार के साथ आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, वो है 587 लीटर का एक बड़ा सा बूट स्पेस, जिसमें आप आसानी से अपने सारे लगेज कैरी कर सकते हैं, और फ्यूल टैंक भी आपको 60 लीटर का मिल जाता है, जहां आपको इस कार में 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू, ब्लैक, बर्गंडी रेड, ग्लेज रेड, और ओरा सिल्वर और कैंडी वाइट। तो कलर्स में भी आपको यह कार निराश नहीं करती है। अब बात करें तो MG हेक्टर की लाइट्स कैसी है, तो लाइट्स के बारे में बात करें तो हेडलाइट आपको हेलोजन और प्रोजेक्टर के साथ दी गई है, साथ ही DRL आपको LED में दी गई है। अब टेल लाइट पूरी तरह LED रखी गई है। इसी के साथ हेडलाइट को आप अपने तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं, और फ्रंट और रियर में आपको केबिन लैंप्स भी ऑफर किए गए हैं। अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा की। जब भी आप किसी भी कार में बैठते हैं तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, ये उसी कार के सेफ्टी फीचर पर डिपेंड करता है। तो आइए बात करते हैं इस कार में आपको कौन से सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग फ्रंट साइड, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे ढेरों सेफ्टी फीचर्स आपको सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी है। अब कार के अंदर आपको क्या क्या ऑफर किया गया है उसके बारे में बात करें तो इंटीरियर आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, यहाँ आपको ड्यूअल टोन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंबाइन मिल जाते हैं। उसी के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डूर हजार वार्निंग, गियर इंडिकेटर और टेकोमीटर पूरी तरह आपको एनालॉग दिया गया है। अंदर के डोर हैंडल्स आपको सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं, जो थोड़ा प्रीमियम फील जरूर करवाते हैं। एंटी ग्लेयर मिरर आपको मैनुअल दिया गया है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आप टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही एक कूल ग्लव बॉक्स भी आपको ऑफर किया जाता है। हाथों हाथ सीट्स की भी बात करें तो सीट्स यहाँ पे आपको फैब्रिक में दी गई है, जिसमें ड्राइवर सीट आप 8 तरीके से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, वहीं फ्रंट पैसेंजर सीट आप 6 तरीके से अपने कंफर्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं। साथ ही ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज पॉइंट, पीछे की ओर भी एक आर्मरेस्ट आपको कप होल्डर के साथ मिल जाता है। फ्रंट और रियर साइड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो आपकी राइड को थोड़ी बहुत कंफर्टेबल जरूर करती है। अब यहाँ पे आपको कंफर्ट और स्पेस की कोई कमी इस कार में नहीं महसूस होने वाली है, यहाँ 5 लोग आराम से इस कार के अंदर बैठ सकते हैं।
अब बात करते हैं आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस की, तो नई एमजी हेक्टर 2021 में बैठ के आप अपने आप को कितना कंफर्ट फील करते हैं उसी की भी बात करें तो एसी यहां पर आपको मैनुअल दिया गया है और साथ ही आपको रियर एसी वेंट भी मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट पॉइंट आपको एक दिया गया है और सेंट्रल लॉकिंग आपको रिमोट की के साथ मिल जाती है। पावर विंडो फ्रंट और रियर साइड वन टच डाउन सभी डोर्स पे मिल जाते हैं और वन टच अप का ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर साइड ही दिया गया है। ORM आप अंदर से ही इलेक्ट्रिक तरीके से आपने कंफर्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जहां बूट ओपनर भी आपको इलेक्ट्रिक दिया गया है। अब साथ ही कार के सभी दरवाजे पे स्टोरेज पॉइंट भी दिए गए हैं, जहां आप अपने सिक्के वगैरह रख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मनोरंजन की। कार चलाते वक्त अपने मनपसंद गाने सुनना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना किसको पसंद नहीं है, तो इस कार में उस हिसाब से क्या क्या ऑफर किए गए हैं उसके बारे में बात करें तो इनडेस म्यूजिक सिस्टम के साथ आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, जहां एक बेसिक सा डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, उसी के साथ एक USB केबल पॉइंट, ऑक्स केबल पॉइंट और ब्लूटूथ भी आपको दिया गया है, जो आपकी राइड को थोड़ी बहुत मनोरंजन जरूर बनाती है। बात करते हैं नई MG हेक्टर 2021 बेस मॉडल डीजल की प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइस 14,20,801 शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपका बजट 15 से 18 लाख के बीच में है और आप कोई डीजल कार का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो MG हेक्टर आपके लिए एक अच्छा विकल्प जरूर साबित हो सकती है। तो बस दोस्तों, यही था आज के वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अगर आप ऐसे ही बेस मॉडल के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।